नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सकारात्मक भेंट हुई है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बस्तर के तीव्र विकास के लिए रेल सुविधाओं के विस्तार को अत्यंत आवश्यक बताया, जिसे स्वीकारते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने जल्द बस्तर प्रवास पर आने सहमति दी है। साथ ही प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन निर्माण की दिशा में शीघ्र कार्य करने आश्वस्त किया है। केंद्रीय रेल मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र में रावघाट रेल लाइन सहित जगदलपुर विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस का नियमित परिचालन किए जाने और कोरोना काल के समय से बंद की गई दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस का समय परिवर्तित कर रात्रिकालीन परिचालन शुरू करने मांग की गई है। इसके अलावा नवीन विशाखापट्टनम किरंदुल एक्सप्रेस को दंतेवाड़ा बीजापुर मैंचेरियल महाराष्ट्र लाइन को स्वीकृति देने आग्रह किया गया है। रेल मंत्री ने सभी मांगों को अविलंब पूर्ण करने हामी भरी है और रेलवे अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए हैं। इसलिए हम लोग तो जाकर के मिल के आ रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि पिछले बार हम लोग नगरनार तक नौरंगपुर तक गए थे और नौरंगपुर तक जो है ना उनका रेल यात्रा था, फिर जो है ना पद यात्रा चालू हुआ, उस समय बातचीत अच्छी नहीं हो पाई और इसलिए दोबारा संज्ञान दिलाने के लिए हम लोग जो है ना उनके पास गए थे और अभी उन्होंने आश्वस्त किया है, दो ट्रेन को चलाने के लिए स्वीकृत मतलब आश्वस्त किया है और ये दिल्ली राजहरा वाला रेल लाइन चालू हो जाएगी और इसी महीने चालू हो जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।